बहरोड में एक पत्रकार ने पत्रकार वार्ता में मुझे पूछा कि मोहित अमेरिका से पढ़ा हुआ तो राहुल गांधी भी अमेरिका से पढ़े हुए हैं, राहुल गांधी के बारे में लोग कुछ और कहते हैं। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि जो भी अमेरिका के अंदर है, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग रहते हैं। मेरा तात्पर्य यह था, और रहते वही हैं जो बुद्धिमान होते हैं, जो वहाँ काम करना जानते हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ा दिमाग होता है। इसलिए मैंने इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बात की कि अमेरिका में वो ही रहता है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। इस बात का यहाँ तक कहा मैंने, पत्रकार और महेंद्र को ज्ञान नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए जगह है। मैंने ये बुद्धिमान वर्ड में सभी लोगों का नाम लिया, अगर फिर भी मेरे किसी शब्द से किसी जाति विशेष को या किसी धर्म को कोई ठेस पहुंची हो तो बिना शर्त के माफ़ी मांगता हूं। पर मेरा शुद्ध यही था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही अमेरिका के अंदर जाते हैं, वही वहाँ काम करते हैं, वही वहाँ रहते हैं, वही वहाँ पैसे कमाते हैं। बुद्धिहीन लोग अमेरिका के अंदर नहीं हैं। तो इसलिए मैं फिर दोबारा से बिना शर्त हर समाज, हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक से आत्मा से माफ़ी मांगता हूँ कि किसी भी तरह से अगर मेरे से किसी को ठेस पहुंची है तो उसको अन्यथा ना ले। और कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए जान पूछ के इस बात को बरगला रहे हैं, वो अपना हथियार बनाना चाहते हैं किसी जाति को। ऐसे राजनीतिक लोगों के बहकाव में ना आए और इनसे दूर रहें। समाज के अंदर सभी सम्मानित हैं। मैंने फिर कहा है कि अमेरिका में जो भी लोग रहता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, सभी बुद्धिमान लोग रहते हैं। मैंने सम्मान दिया है, बुद्धि का मतलब मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल और सभी जो हर काम को करने वाले होते हैं, जो अपना काम खूबी से कर सकते हैं।